मोहम्मद औसाफ अहमद सिद्दीकी यूथ लीडर ने किंगकोठी गवर्नमेंट अस्पताल का दौरा किया और वहां पर मौजूद मरीजों से मुलाकात करते हुए उनकी कई तरह से मदद की। बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस जमन में मजीद तफसीलात भी बताई है। आज मैं किंगकोठी हॉस्पिटल को विजिट कर रहा हूं। आपका नाम? अनिल कुमार। साहब मेरे को यहां पे फोन करके बुलाए है, यहां के हालात बहुत खराब है। मैं जो सो कल भी आए दिन पेपर में भी डाले कि 7 जने ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई है बोल के। आज मैं हमारे अनिल कुमार साहब जो मनीकुंडा से आए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। यहाँ पे लक्ष्मण जी भी फ़ोन करके बुलाया मुझे। यहाँ पे इनको वैक्सीनेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोग बेचारे इतने बुजुर्ग रह के एजेड आदमी है, सीनियर सिटीज़न है, ये लोग सुबह 6 बजे से आके यहाँ पे बैठे हुए तो बिलों का नंबर लगा। ये लोग जो है सो आधा यहाँ बैठ बैठ के बीमार हो जा रहे। इन लोगों को यहाँ पे सही ट्रीट नहीं मिल रहा है। अंदर ये लोग 5-5 घंटे 6-6 घंटे बैठे रह रहे, वैक्सीनेशन के लिए भी पूरे जो है सो बहुत लेट दे रहे हैं इन लोग को। ये लोग सीनियर सिटीज़न है। मैं केसीआर साहब आपसे अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आपके जो यहाँ के MLA है, जो भी कंटेस्टेड कॉरपोरेटर है, उनको यहाँ भेजिए इन लोगों की देखरेख के लिए। यही आवाम अपने को जो है सो इसमें सियासत का तो बोल नहीं सकते, मगर यही आवाम अपने को कई सौ है। आप प्लीज़ हमारी मेहरबानी है कि इन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ये दवाखानों की तरफ आप थोड़ा तवज्जो दिए।